हेलो रिवान वेलकम बैक हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश विषय का हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न देखेंगे सबसे पहले हम जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं हम उनको देखेंगे देखिए सत्तर नंबर का आपका पेपर होगा तीन घंटे पंद्रह मिनट समय लगेंगे और वह दिया गया है कि फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स आर अलाटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर पंद्रह मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन ए एंड बी या पेपर दो सेक्शन ए और बी में डिवाइड है सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ए वाले में कह रहा है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा जो बी सेक्शन है वह वर्णनात्मक प्रश्न के लिए है आल क्वेश्चन आल कंपल्सरी सारे प्रश्न कंपल्सरी हैं मार्कशार्ट इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के सामने उसके जो भी अंक हैं दिए गए हैं कर आई रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम कि प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उन प्रश्नों को आप बखूबी पढ़ें तो चलिए सेक्शन ए देखते हैं क्या दिया है तो सेक्शन ए दिया है सबसे पहले इसी तरह का पैसेज आपको दिया रहेगा क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन तो उसके चार ऑप्शन दिए होंगे. उसी में से आपको लिखना होगा यह बीस नंबर का होगा बीस प्रश्न इसमें दिए जाएंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पैसेज को दिया है कि वेजिटेबल आयल हैज़ बीन नोन फ्राम एंटीक्विटी नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज़ यूज इन कुकिंग परफ्यूम्स में बी मेड फ्राम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लॉर्स Soaps are made from vegetable and animal oils. To the ordinary man, one kind of oil may be as important as another, but when the politician or the engineer refers to oil, he almost always means mineral oil. The oil that drives tanks, aeroplanes, and warships, motor cars, and diesel locomotives. This is the oil. That has changed the life of the common man. When it is refined into petrol, it is used to drive the eternal combustion engine. To it, we owe the existence of motor car which has replaced the private carriage drawn by the horse. To it we owe the possibility of flying. It has changed the method of warfare on land and sea. The kind of oil comes out of the earth because it burns well, it is used as fuel, and in some ways, it is superior to coal in the respect. Many big ships now burn oil instead of coal because it burns brightly, it is used for illumination, because it is very slippery it is used for lubrication to metal surface rubbing together cause friction and heat but if they are separated by the thin film of oil the friction and heat are re reduced no machine would work for long if it were not properly lubricated द ऑयल यूज फॉर दिस परपज मस्ट बी ऑन द ऑफ द करेक्ट थिकनेस इफ इट इज़ टू थीन इट विल नॉट गिव सफिशियंट लुब्रिकेशन एंड इफ इट इज़ टू थिक इट विल नॉट रीच आल पार्ट दैट मस्ट बी लुब्रिकेटेड तो अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन का दे रहा है कि वेजिटेबल ऑयल इज़ यूज यानी जो वेजिटेबल आयल है उसे यूज़ किया जाता है ऑप्शन क्या दे रहा है परफ्यूम बनाने में सोप बनाने में कुकिंग में या दीज तो जो हमारा ऑप्शन डी है डी सही है कि आलाब दीज इन सभी में इसका यूज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दो दिया है कि द पोलिटिशियन आर द इंजीनियर रिफर द मिनरल आयल विकाज दिस आल ड्राइव्स वारशिप्स एरोप्लेन्स टैंक्स और ऑफ आलाबदेज तो इसमें भी जो हमारा ऑप्शन डी है डी सही है कि ऑफ दीज इन सभी चीज़ों को यह ड्राइव करता है प्रश्न नंबर तीन देखते हैं दिया है कि वी यूज आयल फॉर लुब्रिकेशन बिकॉज इट इज रफ स्लिपरी बोथ एंड बी नन ऑफ दीज तो स्लिपरी क्योंकि फिसलने वाला है इसलिए हम इसको लुब्रिकेशन के लिए इसको प्रयोग करते हैं क्वेश्चन नंबर चार से आठ दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग अब दे रहा है कि डिड नाट वांडा रिसीव एनी रिप्लाई फ्राम दे अब इसको रिआर्डर करके सही करना है तो दिया है वांडा डिड नाट रिसीव एनी रिप्लाई दे तो दिए देखिए सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट हमेशा प्रारंभ में लगता है ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगता है तो यह वैसे कैंसिल हो गया यहाँ देखिए दे डिड नाट सही है सब्जेक्ट है डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एनी रिप्लाई फ्रॉम वांडा तो यानी हमारा जो बी है यह बी सही है क्योंकि एनी रिप्लाई डिड नॉट रिसीव दे फ्रॉम वांडा ये गलत है हमारा जो ऑप्शन बी है बी सही है। और कह रहा है कि नाफ देच तो बी हमारा ऑप्शन सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं दिया है कि नो यूज क्राइंग ओवर इट इज स्पेल्ट मिल्क यह भी एक तरह से रियार्डर है और एक तरह से यह मुहावरा है तो इसका हो जाएगा इट इज इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क ये इसका आंसर होगा इसका हिंदी होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो इस प्रकार इस मुहावरे का यह अर्थ होगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह सी होगा अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर छ दे रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड तो चार ऑप्शन दिया है एन आई एन ई टी एच एन आई एन टी एच एन आई एन ई टी एच और दे रहा है कि ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो हमारा पहला है ए ए सही है एन आई एन ई टी एच नाइन्थ यानी नवा होता है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं दिया है कि रमेश विल पास ही वर्क हार्ड वर्क हार्ड। अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं दो एंड इफ बट तो यहाँ जो होगा कि राम विल पास राम पास हो जाएगा इफ़ ही वर्क वर्क हार्ड तो हमारा जो ऑप्शन बी है बी सही होगा इफ यहाँ भरा जाएगा क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं दिया है कि माय ब्रदर इन कानपुर फॉर लास्ट टेन ईयर सब इसमें चार विकल्प दिया है वर्ब से संबंधित क्योंकि सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद वर्ब वाई वर्ब भरना है लिप्स दिया है लिप्स भी सही हो सकता है लेकिन यहाँ देखिए दे रहा है कि फार लास्ट यानी फार द लास्ट टेन ईयर्स यानी पिछले दस वर्षों से तो यानी कंटिन्यू रह रहा है तो यह कॉन्टिन्यू से संबंधित है अब कहेंगे एज भी हो सकता है लेकिन जब समय दिया रहता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है डी सही है अब क्वेश्चन नंबर नौ और दस इस पैसेज से संबंधित है तो पैसेज को पढ़ते हैं पैसेज क्या दे रहा है कि किसा पुअर किशा गोमती नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पी टी एड हर एंड सैड हियर इज मस्टर्ड सी टेक इट बट वेन सी आस्क डिड अ सन आर डाटर अ फादर आर मदर डाई इन योर फैमिली दे आंसर्ड हर एलाश द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डिपेस्ट ग्रीफ एंड देर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड One had died in it. Kisa Gomti became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men that their lives flicker up.

गौतम बुद्ध की बहन थी अ लेडी हुज सन हैड डाइड एक ऐसी महिला थी जिसका पुत्र मर गया था या गौतम बुद्धाज नेवर गौतम बुद्ध की पड़ोसी थी तो जो हमारा ऑप्शन सी है सी सही है कि एक वह महिला थी जिसका पुत्र मर गया था क्वेश्चन नंबर दस दे रहा है कि व्हाट हैपन टू किसा गौतमी इन द एंड अंत में किसा गौतमी के साथ क्या हुआ सी बी केम होपफुल व आशावान हो गई सी बी केम होपलेस वह निराश हो गई तो ऑप्शन हमारा बी सही है सी बी के मैड हुआ पागल हो गई सीड एड वह मर गई तो ऑप्शन बी हमारा सही है कि वह बिल्कुल सीड न मिलने पर यानी जो मस्टर्ड सीड था न मिलने पर काफ़ी वह होपलेस हो गई थी अभी ग्यारह से तेरह तक का आंसर क्या दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन कि प्रोज लेसन पर आधारित है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो आपको सही उत्तर चुनकर के लिखना है दे क्या रहा है कि व्हाट वाज द फेयर आप वन वे फ्रॉम द विलेज टू द टाउन कि गांव से टाउन तक जाने का जो एक तरफ का किराया था वह कितना था यानी मैडम राइड्स बस का है दे रहा है तीस पैसे थे चालीस पैसे थे पचास पैसे थे या साठ पैसे थे तो ऑप्शन ए सही है एक तरफ का किराया तीस पैसा था क्वेश्चन नंबर बारह देखते हैं दिया है कि राजवीर वाज अ फैन ऑफ राजवीर बहुत ही फैन था किसका डिटेक्टिव स्टोरीज नो नावल्स ड्रामाज़ या पोयम की जो भी सस्पेंस वाली कहानियाँ होती हैं उसका नॉवेल्स उपन्यासों का ड्रामा नाटक का या पोयम्स पोएम का तो हमारा जो ऑप्शन ए है ए सही है अब क्वेश्चन नंबर तेरह दे दिया है कि विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट सियोर ऑफ पासिंग किस विषय में एनी सोचती थी कि वह पास नहीं होगी ज्योग्राफ़ी में हिस्ट्री में साइंस में या मैथमेटिक्स में ऑप्शन जो हमारा डी है डी सही है कि वह मैथमेटिक्स में श्योर नहीं थी कि वह पास होगी कि नहीं होगी अब क्वेश्चन नंबर चौदह और पंद्रह क्या दे रहा है ग्रेट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्या दे रहा है कि आई एम राय पेंजल आई हैव नॉट अ केयर लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्वील एंड रेयर आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर तो इस पोयम के अनुसार यहाँ क्या दे रहा है कि हु विल नेवर लेट डाउन हर हेयर कि अपने बाल को कभी कौन लेट डाउन नहीं होने देगा या देगी तो इस पोएम में तो दिया है कि रेपेंजल लेकिन वास्तव में वह वा अमांडा है लेकिन यहाँ के अनुसार यहाँ दे रहा है कि हर मदर हर टीचर रेपेंजल या न नाब दीज तो इसके अनुसार यहाँ सी सही हो रहा है क्योंकि अमांडा दिया नहीं है तो रेपेंजल इसमें रेपेंजल दिया है रेपेंजल हो जा रहा है तो रेपेंजल सही है पंद्रहवा क्या दे रहा है कि रेपेंजल वाज ए या एन रेपेंजल था क्या प्रिंसेज आर्फन गर्ल टीचर या नन ऑफ नानाबदेज इसमें से कोई नहीं था तो नन ऑफ दिज इसमें से हो जाएगा अब चलते हैं सोलह और बीस सोलह से लेकर बीस तक का प्रश्न क्या दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो फुटप्रिंट विदाउट फिट जो आपका बुक है उससे लिया गया है क्या दे रहा है ट्रिकीज वाज ट्रिकी की जो मालकिन थी क्या थी कि टाकेटिव लेडी बहुत ही बातूनी थी पुअर लेडी गरीब थी एरोगेंट बहुत ही घमंडी थी रिच लेडी तो जो हमारा ऑप्शन डी है डी सही है कि बहुत ही धनाढ़ व महिला थी क्वेश्चन नंबर सत्रह दे रहा है कि अनिल प्लेस्ड अनिल ने रख दिया द बंडल ऑफ नोट्स यानी नोटों की गड्डी को रख दिया कहाँ रखा इन्हें सेफ तिजोरी में रखा अंडर द मैट चटाई के नीचे रखा अंडर द मैट्रेस गद्दे के नीचे रखा इन द पॉकेट या इन इज पॉकेट अपने जेब में रखा तो जो ऑप्शन हमारा सी है सी सही है गद्दा के नीचे वह लाकर के पैसे को रखा था क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि द इंसिडेंट वाज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर बाई तो जो घटना घटी थी उस घर में पैसे चुराने वाली उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसके द्वारा कहा गया मिसेज हाल के द्वारा कहा गया या क्लेजीमैन के द्वारा कहा गया क्लेजीमैन वाइफ के द्वारा कहा गया या जफर के द्वारा तो जो क्लेजीमैन यानी पादरी थे उनके द्वारा कहा गया कि जो उनके घर में घटना हुई थी चोरी वाली वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी अगला दे रहा है क्वेश्चन नंबर उन्नीस कि एब्राइट हैड एब्राइट के थे सिबलिंग यानी भाई बहन कैटो थे एक ठो दो ठो तीन ठो या कोई नहीं पुनः तो आप दीज क्योंकि एब्राइट अकेले ही था उसकी कोई भाई बहन नहीं थे अब क्वेश्चन नंबर बीस क्या दे रहा है कि मटिल्डाज रिच फ्रेंड वाज कि मटिल्डा की जो धनी सहेली थी उसका क्या नाम था सोफिया नाम था अमेलिया था इसाबेला था या फॉरेस्टियर था तो हमारा जो ऑप्शन डी है डी सही है फॉरेस्टियर था